ਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੁਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਕੇ ਜੋ ਇਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹ ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ देखो अज की रैली जी पूरे हिंदुस्तान के खेती कानूनों के खिलाफ पूरा रोह भखया होया है अड्डो अड्डी थावां दे उत्ते अड्डो अड्डी स्टेटां दे विच इन्हां कानूनों के खिलाफ दिल्ली दे विच भी मोर्चे चलते अड्डो अड्डी स्टेटां दे विच चल रहे अज असीं पिंड जय सिंह दे विच इस किसान मजदूर एकता रैली है जी ये कर रहे हैं इस दी सौणी करन दी खातर मोदी दी हकूमत नूं जी इस गल ते अड़ी हुई है भी असीं खेती कानून किसी कीमत ते वापस नहीं लैणे वह कंध ते लिखिया पढ़े लोगों का गुस्सा बहुत उभर के सामने आ रहा है इन्हां कानूनों के खिलाफ बहुत सारे जिहड़े पेंडू लोग है शहरी लोग है हर तबके के लोग है उहदा समर्थन कर रहे हैं असी सरकार नूं सेंटर दी सरकार नूं इह जरिए राही भेजना चाहुंदे आ साडे माध्यम राही भी उह खेती कानून हर हालत जिहड़े वापस लैणे पैणगे उहनां नूं जिन्ना मर्जी लमका लैण लोग इस दी तैयारी च आ क्योंकि दिल्ली दे विच पक्के मकान बण रहे है दिल्ली दीआं रोडां जिहड़ीआं किसे समें एक मिनट नहीं सी वेहलीआं हुंदीआं लगभग चार महीने हो गए रोडां दे उत्ते लोकां नूं बैठिआं नूं उह आपदा पक्का प्रबंध कर रहे है सियाल लंघ गिआ गर्मी आ गई गर्मी दा बंदोबस्त पूरा तैयारी नाल जोरां शोरां नाल चल रहा है इत्थे इसलिए असीं हिंदुस्तान दी हकूमत नूं इह सुनौणी करदे भी खेती कानून हर हालत जो रद्द करा के रहेंगे ठीक है जी की नाम है जी अपना मेरा नाम कुलवंत राय शर्मा भारतीय किसान जो एकता ग्राह हाँ कुलवंत राय जी किन्ने जिले की रैली है ये अपने लगभग दो जिले की तो हैगी है बाकी बाहरों भी लोग आए हुए अपने जिमें हरियाणा तो भी आए हुए भाई तो होर भी अपने नेड़े नेड़े दूजे नाल के ब्लाकों के आए हुए है जिला मुकसर के भी आए हुए तो मतलब दो जिले की लगभग हैगी है की कहना चाहोगे असी इस रैली के राही मतलब भारत सरकार को सुनौनी करना चाहते हैं कि जिहड़े ये कहिंदे वी असी तिन काले कानून वापस नहीं लैंदे लैणे गे उन्हां नूं असी वापस करा के हटांगे क्योंकि दिल्ली दीआं सड़कां दे उत्ते घट्टो घट भी 105-6 दिनां तों लोक बैठे हुए है तो वह उत्थे हुण आपदा गर्मी का प्रबंध करी जांदे है उत्थों असी हलण वाले नहीं गए जिन्ना चिर साडे कानून वापस नहीं हुंदे गे असी उत्थों बैठ के मुड़न वाले नहीं गए असी कानून सारे वापस करा के मुड़ांगे शर्मा जी 23 ते 26 दे प्रोग्राम बारे की कहना चाहोगे 23 का प्रोग्राम इतों नौजवानों का एक मतलब असी ले जाके उत्थे रैली करनी है जी भगत सिंह दा शहीद दा देखो जिहड़े प्रोग्राम है आने वाले दिनों के जिवें 15 तरीक का साडा प्रोग्राम है असी बड़े इकट्ठ करके यही इकट्ठा के जरिए जिहड़े कानून खेती कानून रद्द कराने की खातर चाहे शहीद भगत सिंह 30 तरीक का शहीदी दिहाड़ा हैगा कल नूं खेत मजदूरों वालों कानफ्रेंसा रखिया हुई उहदे च भी असी खेत मजदूरों का जिहड़ा साथ है किसानों वालों देवांगे कुछ होर भी किसान आगू मौजूद हन हाँ जी 26 मार्च का जो संयुक्त मोर्चे वालों तो जिहड़े ट्रेड यूनियन आ उन्होंने भारत बंद सद दिता गया तो जो भारत किसान एकता ग्राह गई इस भारत बंद में पूरी तरह शामिल होगी असी इस भारत बंद डॉक्टर हिमायत करते हैं जी तो असं उम्मीद करते हैं कि जिमें पहला बंद सदे सफल होंगे रहे गए ये भी बंद सदा पूरे भारत सफल होगा होर भी साडे नाल कुछ नौजवान आगू मौजूद हन उन्होंने हाँ जी की कहना चाहोगे हाँ जी सत श्री अकाल जी पहला तो असी अजीत मीडिया जी के बहुत बहुत धन्यवादी हैं जो साढ़े पिंड आए पिंड जय सिंह वाला वालों मैं एक DTF टीचर अध्यापक यूनियन के नुमाइंदे वालों साडा भी सहयोग हैगा तो असी जिहड़ा यह रैली का मुख्य विषय हैगा असल च तुसी जे समझो तो यह कोई इलाके की रैली हैगी असी यह रैली का मुख्य मकसद है जिहड़ा जिहड़े लोग दिल्ली विच पहुँच नहीं सकते उन्हां दीआं मजबूरियां जिमें कि मजदूर है उन्हां दा हुण हर रोज़ का रोजी रोटी का मसला हैगा हुण ओह आपदा कम छड्डण कि किवें जाण तां असीं उन्हां नूं इत्थे रैली लैके आ रहे हैं भी जागरूक करना है तो वह जागरूक हो भी रहे है तो खास करके नाल बीबियां भैणां जिन्हां नूं रोज़ दे कम कर रहे गए उन्हां नूं इह मुख रख के यह रैली रखी गई है वैसे अपना संघर्ष है जिहड़ा दिल्ली विखे पूरे जोर शोर नाल चल रहा है ये रैलियां जिहड़ियां उन्हां नूं होर हुलारा देणगियां होर अगे लैके जाणगियां इह मुख मकसद है रैलियां दा जिहड़ियां इलाके दे पद्धर ते होर अज होर एक जगह पिंड जां होर सुल्तानपुर
विरोधी होर कई थावां ते हो रही है। इन्हां दा मुख मकसद यह हैगा भी जोश भरना है नाल इह कल्ला कई बारी इह दिमाग दे विच बैठी पई है गल भी इह कल्ला किसानां दा रौला है, किसानां दा नहीं, इह नाल मजदूरां दा भी उन्ना ही हैगा। मजदूर भाईचारा भी साडे नाल है, हर गरीब भाईचारा, हर औरत, हर मर्द, स्टूडेंट, टीचर, वकील सब साढ़े नाल है, सब असी कट्ठे हो के लड़ रहे हैं, एकता का नारा ला रहे हैं गे, तो एकता नाल सानू असी जितांगे बिल्कुल। असी आपदे फैसले तो पाउंदे नहीं, असी जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे असी उन्ना चिर कोई समझौते ते नहीं आउंदे। कई बारी साढ़े आगुआं नू इह गलत प्रचार करी जांदे, जिहड़े गलत मीडिया वाले है वह प्रचार फैला रहे हैं, जिहड़े मीडिया वाले हो जिहड़े इन्हां दे गोदी मीडिया वाले कह सकते हैं तुसीं, वह प्रचार कर रहे है भी साडे आगू है जिहड़े इह सानू लारे रहे, असीं तां मीटिंग करन नू तैयार हैं, पर साढ़े आगू 30 वारी मीटिंगां कर चुके हैं पर वह किसी गल ते नहीं आ रहे। जे उन्हां नू असीं गोदी मीडिया राहीं पुछना चाहुंदे हैं, जे वह उन्हां नू लगता है भी साढ़े किसान यूनियन झूठ बोल रहे हैं, तां तुसीं इक ओपन डिबेट रखो किसी सांझे चैनलों की, सारिआं दी। तुसीं मीडिया एक तुसीं एक बहुत वड्डी आवाज़ हुंदे हो, तुसीं स्टेज पर आओ, साढ़े यूनियन आगू आउणगे, ओपन बहस जिवें राष्ट्र अमेरिका दे राष्ट्रपति दीआं चोणां हुंदियां उदों ओपन बहस चलती है भी तू सियाणा कि तू सच्चा है, तू की लोक पक्षी गल्लां करदा, तू की करदा। ओपन च इन्हां नूं कहो, मोदी दे मीडिया नूं कहो, गोदी मीडिया नूं कहो भी सारे सांझे चैनल, मीडिया भी कोई किसी की खरीद नहीं, अत्थ नूं मीडिया भी नवें पैदा हो सकते है, मीडिया कोई एक चीज़ का मुहताज नहीं हुंदे गे, जिवें रातों रात पार्टियां बन सकदियां, रातों रात होर चीज़ जिहड़े, इस तरह मीडिया किसी का मुहताज नहीं हुंदा। नवें जिहड़े डेडिकेटेड मीडिया वाले भरा है साढ़े, उन्हां नूं भी बेनती है अगे आओ, तुसीं साथ दिओ, तुहाडा कम, तुसीं चौथा थम होगे, साडियां पंजवां थम हो, तुसीं साडियां अक्खां हो, साडे कन्न हो, सानूं सारे सच्चे मीडिया नूं खास करके बेनती है वध तों वध किसानां दी असली आवाज़ पहुँचाओ। इन्ना क मैं कहना चाहना, धन्यवाद। तुहानूं इह देना चाहुंदे आ आउण वाले दिनां च जे सरकार इस गल ते अड़ जांदी है, क्योंकि इस जंग ने बहुत लंबा चलना है, छेती नहीं मुड़ना, सरकार ने लंबा फैसला 1991 दे विच कीते हुए फैसले है जिहड़े गैट समझौते आ उहदे तहत सरकार इक अड़ियल रवैये दे विच आई हुई है। असीं आह रैलियां दे जरिए लोगों तक यह गल पहुँचाउणी चाहुंदे आ भी इह लंबा घोल चल सकदा, लंबे घोल तों बाद अखीर लोगों की जित होनी है। अजीत वैब टीवी दे नाल संगत मंडी तो दीपक शर्मा। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।